जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बिहार में कल रोहतास जिले के सासाराम लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश राम के प्रचार के लिए रोड शो हुआ। इस रोड शो में बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और राजीव प्रताप रूड़ी ने हिस्सा लिया और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राम के लिए जनता से वोट करने की अपील की। इस रोड शो में मंत्री नीरज कुमार बबलू और संतोष कुमार सिंह भी शामिल हुए। रोड शो के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि हम बिहार की सभी 40 की 40 सीटें जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जहाँ 400 के आंकड़े को पार कर रहा है, वहीं बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सासाराम में भी हम भारी बढ़त के साथ चुनाव जीतेंगे। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कल सासाराम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राम के चुनाव प्रचार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, सांसद मनोज तिवारी और हजारों की संख्या में एनडीए के नेता और कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए थे। इसके अलावा बिहार के बक्सर में भी चुनाव प्रचार किया गया। बक्सर में चुनाव प्रचार के दौरान सांसद मनोज तिवारी ने बोला कि एनडीए 380 पार कर चुका है और 400 पार करने के लिए आज प्रचार हो रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के दिलों में बसे हैं, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, सभी के दिल में बसे हैं। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे सम्राट चौधरी, सांसद मनोज तिवारी और राजीव प्रताप रूड़ी ने जनता को संबोधित किया। वहां पर मनोज तिवारी ने लोगों से कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि भारत को हराने के लिए लड़ रहे हैं, और एक तरफ अकेले मोदी जी भारत को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, पीएम मोदी भारत के गरीबों को जिताना चाहते हैं, और दूसरी तरफ सारा विपक्ष खड़ा है, वो पीएम मोदी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा है। इसलिए सभी लोग मिलकर पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करें, भारत को मजबूत करें। यह मनोज तिवारी ने सभी से अपील की और विश्वास दिलाया कि बीजेपी इस बार 400 पार जरूर करेगी। थैंक यू।